सभी को जुले। तो सबसे पहले मैं करगिल के प्रेस क्लब के मेंबर सभी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए हैं। तो आज एक छोटा सा रिक्वेस्ट लेके आपके पास आया था कि हम छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसका करने का मतलब ये है कि आज का दिन जो है लद्दाख के इतिहास में बहुत ही मुबारक दिन है। लद्दाख का नया जन्म हुआ है कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे के अभी 3 साल कंप्लीट हुआ है। उसका फाउंडेशन डे आज दोनों डिस्ट्रिक्ट में लेह और करगिल में मनाया गया है। तो इसलिए मैं लद्दाख के हर निवासी को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और इस चीज़ के लिए जो लद्दाख को यूटी स्टेटस ग्रांट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जमयांग श्री नमग्याल जी, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और ख़ासकर जांस्कर का एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इस 3 साल में जो लद्दाख में जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ देखने को मिला है, ख़ासकर जांस्कर जैसे पिछड़े इलाके को जो हमेशा निगलेक्टेड रहा है, नज़रअंदाज रहा है, जिसका भी सरकार आया आके चला गया वो सुनने को हमको मिला, लेकिन ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंटल कोई कुछ होते हुए किसी सेक्टर में कभी देखा नहीं। इसलिए यूटी प्रशासन हेडेड बाय हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर जी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस 3 साल के कार्य में जांस्कर में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। हर क्षेत्र में एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेली कनेक्टिविटी, हर लिहाज से इतना डेवलपमेंट हुआ है कि उनको हम दिल से शुक्रिया अदा करने के सिवाय और कोई लफ्ज़ रहता नहीं है। और यूटी प्रशासन में जो भी डेडिकेटेड ऑफिसर्स हमारा रहा है, एडवाइज़र साहब हमारा उमन नरोला जी, डिविजनल कमिश्नर स्वागत विशाद जी, उसी तरह हमारा सेक्रेटरीज कोतवाल जी, रविंदर जी, एके साहू जी, पद्मा अंगो जी, महबूब साहब, तो सभी ने डेडिकेटेडली एक जांस्कर जैसे बिछड़े हुए इलाके में इतना डेडिकेटेडली उन्होंने काम किया और ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंटल देखने को मिला। इस चीज़ के लिए आज की इस दिन को मैंने आप सबको धन्यवाद देने के लिए चुना है। तो आगे आने वाले दिनों में भी हमें कोई गिला शिकवा नहीं होगा। हाँ, हमें भरपूर ये उम्मीद आप लोगों से है, जब तक आप लोग हैं तब तक पिछड़े इलाके जो चांगतांग है, जांस्कर है, हमारे शुरू है, हमारा द्रास है, या जो जो नज़रअंदाज रहा है आज तक, उन सब में इक्वली डेवलपमेंटल का एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगा, मुझे ये उम्मीद है। इसलिए मैं जांस्कर के लोगों की तरफ से सबको दिल से धन्यवाद और सभी लद्दाख के निवासियों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आज की इस फाउंडेशन डे पे कारगिल में हमारा फाउंडेशन डे मनाया गया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ने खुसूसी ये बोला कि आज कारगिल का ऑडिटोरियम हॉल पहली बार भरा हुआ, कच्चा कच पब्लिक से भरा हुआ, या ऑडिटोरियम के बाहर इतने लोग जमा थे, क्यों यूटी के फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करने में। यूटी मिलने से यहाँ पे क्या डेवलपमेंटल चेंजेस देखने को मिला, लोग उससे संतुष्ट है, वो खुशी इजहार करने के लिए लोग इतना जमा हुआ था। तो मेरे ख्याल से हर क्षेत्र में लोग बहुत ही ग्रासरूट लेवल पे बहुत खुश है। वो अलग चीज़ है, कुछ अपोजिशन का, कुछ लीडरों का अपना पर्सनल सियासी दाल नहीं गलने से कुछ उटपटंग बात बोलने की कोशिश कर रहा है, कानफूसी कर रहा है, हाँ, तो वो तो अलग एक विषय है। तो इसी चीज़ के लिए मैंने प्रेस वालों को बुलाया था। और साथ ही साथ में मैं ये कहना नहीं चाहूँगा कि अपोजिशन को काउंटर करने के लिए आया हूँ या कुछ ये है, लेकिन आप लोगों ने भी, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोगों को बाखूबी पता है कि कुछ ऐसे बात निकला था कि LHDC कारगिल का काउंसलर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले में करता है, ऐसा कुछ एलिगेशन बार बार, चाहे कारगिल से अपोजिशन लीडर्स हो या हमारे जांस्कर से हो, ऐसा बोलते रहा है। ऐसा कुछ बात नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस
कारगिल में भी कर सकता हूँ, लेह में भी कर सकता हूँ, दिल्ली में भी कर सकता हूँ। और लद्दाख के एक एक लीडर को पता है जब हम उतरते हैं जम्मू में दफ़ा 144 तोड़ के दो दो हफ्ता धरना लगा सकता है अपने लोगों के मफाद के लिए, निमो पदुम दर्चा के लिए, जांसकार को सेपरेट डिस्ट्रिक्ट देने के लिए लगा सकता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में मुझे कोई शंका नहीं है, कोई कभी झिझक नहीं है, लेकिन उसमें मतलब होना चाहिए। लेने में उमूमन बैठता हूँ, वो अलग चीज़ है क्योंकि प्रशासन सामने है, मेरा बहुत सारा काम वहाँ होता है। एज ए काउंसलर LHDC कारगिल में जो मेरा काम होता है वो आज तक बाखूबी सब कुछ हुआ है, उसमें कोई कमी पेशी ना मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की तरफ से कंप्लेंट है। हाँ, कुछ पपेट्स जो पॉलिटिकल लीडर्स का कुछ पैसा दे के उठपटांग बोलने के लिए वो खरीद के रखते हैं वो अलग चीज़ है। आई एम नॉट आंसरेबल टू दिस पीपल। वो कोई मुझे पूछने के लिए आप क्यों ऐसा करता है, आपका कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा, वो हक रखता ही नहीं, वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से भी नहीं है, उसने मुझे वोट भी नहीं किया है। तो इस प्रति इस चीज़ को मैं थोड़ा सा क्लियरिफाई करना चाहता था। और साथ ही साथ में मैं ये नहीं कहूँगा, हमारा जांसकर का एग्जीक्यूटिव काउंसलर कुछ दिनों पहले जांसकर में जांसकर फेस्टिवल हुआ था, उसमें जांसकर फेस्टिवल के बाद हमारा CAC का आर्चरी टूर्नामेंट हुआ था, उनका एक स्पीच था उसमें, तो मैं उसको डिटेल में जवाब नहीं देना चाहूँगा क्योंकि मेरा ये मंशा है कि जांसकर के चाहे जिस पार्टी में भी हो हर लीडर एक साथ हो के अभी जांसकर का जो मूल मुद्दा है, जो पेंडिंग डिमांड हमारा प्राइम डिमांड जो जांसकर को सेपरेट डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देने का है, उस चीज़ के लिए मैं बर्दाश्त करके बैठता हूँ, हर चीज़ को मैं जवाब नहीं देता हूँ। उनका एक स्पीच था कि 300 वोट लेके चार कॉन्स्टिट्यूंसी में 1400 वोटर है, 300 वोट लेके लद्दाख का लीडर बनने की कोशिश करता है, वो अलग विषय है। ऐसी चीज़ों में ये चीज़ें बोला नहीं जाता, और इस चीज़ का मैं जवाब देना होगा तो बाद में दिया जाएगा, और जब देंगे तब देखेंगे लोग किस हिसाब से देते हैं। लेकिन मेरा ये अपील है जांसकर के बाकी लीडरान से कि सबको एकजुट हो के अभी जो जांसकर का प्राइम डिमांड सेपरेट डिस्ट्रिक्ट का है, जब तक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है सबको मिलजुल के, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होता है हर रीजन में होता है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा डाइजेस्ट करके हमें थोड़ा सा नरमी से सब हैंडल करने की ज़रूरत है, मैं ये अपील करूँगा। बाकी रहा, आप सबको पता है आजकल लद्दाख में जो पॉलिटिकल नया डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है उसमें तो कारगिल से भी है, लेह से भी है, लेकिन हाँ जो नया डेवलपमेंट अभी एपेक्स और KDA का जो अलायंस बना है उस चीज़ पे मैं KDA को कंडेम करना चाहूँगा, क्योंकि जब KDA फॉर्मेशन हुआ था ऑफिशियली स्टिल वी आर इन डिस्ट्रिक्ट कारगिल, वी आर स्टेक होल्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कारगिल, वी हैव टू कम्युनिटीज इन जांसकर, एक मुस्लिम कम्युनिटी एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी। तो जब KDA फॉर्म हुआ था लद्दाख का जो भी बड़ा बड़ा डिमांड करना होता है नुब्रा वालों को पूछा जाता है, लेके क्रिश्चन को पूछा जाता है, लेके सुन्नी को पूछा जाता है, लेके शेर कम्युनिटी को पूछा जाता है, हमारे जांसकर के सुन्नी कम्युनिटी को क्यों नहीं पूछते हैं, हमारे जांसकर के बुद्धिस्ट कम्युनिटी को क्यों नहीं पूछते हैं? तो हमारे बिहाफ पे कोई डिमांड करने का हक नहीं रखता है, हम वो इजाज़त आप लोगों को नहीं देंगे। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है जो हमें अच्छा नहीं लगा और इसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट डिस्ट्रिक्ट अलग नहीं होता है तब तक हम डिस्ट्रिक्ट कारगिल का स्टेक होल्डर है, तो कारगिल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो भी डिमांड जाएगा उसमें हम एक स्टेक होल्डर है। उसके अलावा कारगिल का माइनॉरिटी बुद्धिस्ट एज ए होल, चाहे वखा मुल्बिक हो जहां हो, वो सब भी नाखुश है। उस चीज़ का मैंने प्रेस अभी लोगों के ज़रिए देखा है, आप लोगों ने टेलीकास्ट किया हुआ है, तो जो देखिए ऐसा चीज़ है कि अब आज के सियासी उसमें मेरा जो ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि जो भी हो रहा है अभी 24 तक 23 को शुरू होगा 24 तक चलाएंगे, ये 24 क्या 24 के MP इलेक्शन को ही टारगेट किया जा रहा है। इन्हें भी देखा जाएगा तो लोगों के आम मसाइल को ग्रासरूट लेवल के प्रॉब्लम को ज़्यादा कम इंटरटेन किया जा रहा है, ना कि ये सियासी मूवमेंट की तरह लोग इसको चलाया जा रहा है। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा मैं उजागर करना चाहता था आप लोगों के बीच में। तो जो UT के खिलाफ कानाफूसी करके UT से ये हो गया, UT से वो, हम तो बड़ा खुश है, हमारे लोग खुश है। आज जब कारगिल में UT फाउंडेशन का डे सेलिब्रेट हुआ, मैं देख रहा था लोगों के चेहरे पे कितना चेहरा कितना खिला हुआ था, कितना खुश है,
वो अलग चीज़ है। दो चार पॉलिटिकल लीडर्स का अपना दाल ना गलने की वजह से, या उनको कश्मीर से कुछ मिलता होगा या कुछ होता होगा, अदरवाइज एज ए पार्टी वाइज अगर मैं देखा जाए तो जो भी बोल रहा है अभी कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, लेह में भी बोल रहे हैं या करगिल में बोल रहे हैं, ज़्यादातर तो कांग्रेस वाला है। कांग्रेस वाला मैं अपने इलाके के बारे में बोलेगा तो हमेशा संस्कार को निगलेक्ट किया। कौन सा चीज़ किया कि संस्कार वालों के लिए जिसकी वजह से हम उनका ये करेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस एज ए पॉलिटिकल पार्टी एक डिस्क्रिमिनेटिंग एटीट्यूड हमेशा लेके चला है, तो वो इम्प्लीमेंट भी किया है। जब उनका सरकार चलता था, देखिए लद्दाख में दो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 1989 की जब मैं बात कर रहा हूँ 89 की बात कर रहा हूँ, लद्दाख में दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज नया डिक्लेयर हुआ था, नुब्रा और सांस्कर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्क्रिमिनेटिंग एटीट्यूड की वजह से सांस्कर को शुरू वाली पूरा उसमें इंक्लूड कर दिया। सांस्कर से आज तक कोई MLA नहीं बना, कोई मंत्री नहीं बना। ये क्यों हुआ? ये सांस्कर वालों को सोचना है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्टर बन के फील्ड में चल रहा है उनको सोचना है किस पार्टी ने उनको धोखा दिया, उनके दादे को उनके बाप को धोखा दिया है। हमारे संस्कार में एक प्रभाव है, हम उस चीज़ को ये करते हैं, एक लोकल हम ये बोलते हैं। आगे मिशा स्कोर मौजूद ना यूरोपीय रर्जिस इस प्रभाव को उन लोगों के लिए है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर बन के उधर फील्ड में चलता है। और जहाँ तक हम करगिल में जो करगिल का कांग्रेस बोलता है, भाई ऐसे में BJP प्रेसिडेंट भी अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, BJP ने ये कर दिया, BJP ने क्या किया? BJP आते ही जुजिला टनल से शुरू कर दिया। अभी आप सब ने सुना है आज का जुजिला टनल का रिपोर्ट ऑफिशियली डिप्टी कमिश्नर के मुंह से सुना है, करीब करीब 5 किलोमीटर इसी साल खोद दिया। मैं ये बोलता हूँ अगर करगिल का कांग्रेस का लीडर करबलाई साहब है, मैं जानता हूँ उनको, 94-95 में जब हम DC ऑफिस में कोई दिल्ली से मंत्री आता था तो हम साथ मिला करते थे। मैं चादर रोड के लिए जाता था, जिनाब करबलाई साहब हमारे जुजिला टनल के लिए जाते थे। तो भाई साहब क्यों नहीं बना आपका टनल? आपका ही सरकार चल रहा था, जम्मू कश्मीर में भी आपका सरकार, दिल्ली में भी आपका सरकार, और खुद भी MLA, खुद CAC, क्यों नहीं बना? आज BJP को कोसने का क्या, इसका क्या वजह क्या है? तो मेरा ये भी कहना है कि करगिल के लोगों को भी गुमराह किया जा रहा है, खासकर कांग्रेस पार्टी के नाम पे चलाया जा रहा है, लेकिन उस पार्टी के साथ खुद लोग भी वफादार नहीं। करगिल के कांग्रेस के लीडर कांग्रेस के साथ गद्दारी कर रहा है, करता है, करते आया है। वो ऑफिशियली मैं बता दूं आप लोगों को, 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में देखो, नेशनल प्रेसिडेंट कांग्रेस मैंडेट लिख के देता है सिग्नेचर के साथ, उसको नकारते हैं, अपना खुद का कैंडिडेट खड़ा करता है, नकारा गद्दारी। 2019 का MP इलेक्शन आता है, हाँ भाई साहब कांग्रेस का मैंडेट के खिलाफ खुद उठता है, फिर कैसे कांग्रेस ही हो गया? तो मेरा ये कहना है करगिल के निवासियों से भी, तो हम सबको मिल के इलाके के लोगों के मफाद में डेवलपमेंट के लिए सोचना है, ना कि दो चार पॉलिटिकल लीडर्स का जब दाल नहीं गलता है तो लोगों को उकसाता है, प्रोवोकेट करता है, ऐसी चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। इसी तरह अभी खासकर अभी जो भी मूवमेंट चल रहा है वो तो मैं एक्टिविटीज़ ज़्यादातर ले में देखता हूँ। मेंबर पार्लियामेंट ने ये कर दिया, मेंबर पार्लियामेंट ने वो, मैं अभी करगिल से बोल रहा हूँ भाई साहब, मैं पिछले टाइम MP साहब के साथ हमारा ईचू पांगबर में गया था बरसोनाले में, वहाँ के लोग बोल रहा था आप पहला MP है जो हमारे गाँव में आया है, हमें टावर चाहिए, हमें सड़क चाहिए। वहाँ से चलो वहाँ तक तो पैदल गया था, वहाँ से हम फिर नीचे आया, फिर गाड़ी में आया, करसे चंबा के सामने हमारा एक सरपंच बोल रहा था जनाब कोई MP आज तक हमारे गांव में दौरे पे नहीं आया। मैं हैरान होता हूँ, यहाँ से 40 किलोमीटर आप सबको पता है बस अपना रोड है, करगिल से भी MP कितने गए हमारे, काफ़ी बार करगिल से भी MP बन के गया। तो बोलने का मतलब ये है कि ये MP हर जगह दौड़ रहे हैं, चांतंग के उस गाँव में जा रहे हैं, संस्कार में 12 घंटा 2-2 दिन चल के एक गाँव में जहाँ कोई MP नहीं पहुँचा, शुरू वैली में ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ कोई MP नहीं पहुँचा, उसी को ही अभी गाली मारा जा रहा है। वो ही इज़ द मोस्ट कैपेबल MP लद्दाख से आज तक का जो निकला है, ही इज़ वोकलिस्ट, ही इज़ एनर्जेटिक,
इज सिंसियर टुवर्ड्स हिज ड्यूटी। तो इस चीज़ को लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो जो अभी सियासी जो दाल पाक रहा है पूरा लद्दाख रीजन में, उसको देखते हुए मुझे तो नहीं लगता है कि ये कोई लोगों का भलाई के लिए। हाँ, हम भी बोलते हैं, एज ए बीजेपी मैं बोलता हूँ, एज ए बीजेपी लद्दाख सेफ गार्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के, उसके लिए हमने भी साथ दिया, हम आज भी साथ हैं। हम आज भी बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड, चाहे लैंड के प्रति हो, जॉब के प्रति हो, हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, हर चीज़ में हमको वो मिलना चाहिए। लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोगों ने जो 70 साल में नहीं दिया वो इतना जल्द दिया है, तो आज ये चीज़ें भी करने की ज़रूरत। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम वो नहीं बोलते, हम हाँ के छीन के लेंगे, वो उस हिसाब से हमारा एटीट्यूड ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन हम इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, और ख़ासकर आजकल के नौजवान, जितना यूटी प्रशासन ने काम किया है वो काबिले तारीफ़ है। हाँ, एक चीज़ हम आप लोगों के माध्यम से एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूँगा, जो ले और कारगिल और हर क्षेत्र में जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है उसको, हाँ आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा, बहुत सारे काम करने होंगे, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे अनएम्प्लॉयड यूथ का जो मसला है उसको इंटरटेन किया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का उम्र बड़ा हो रहा है, वो कल एलिजिबल नहीं रहेंगे उस पोस्ट के लिए। ऐसा हमारा रिक्वेस्ट रहेगा। बाकी ज़्यादा हम नहीं बोलूँगा, तो नेक्स्ट टाइम कुछ अगर करना होगा आप लोगों को दोबारा हम इनवाइट करेंगे आप लोग यहाँ पे आने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत मशहूर हैं जी, आप मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने अपना पोस्टर बनने के बाद पहली बार करगिल में मीडिया से आपने खिताब किया। जी, आपका जो भी खिताब होता था वो लेसे होता जी, पता नहीं आपको ये आप ये सोच रहे थे कि करगिल की मीडिया आवाज़ नहीं उठाएगी, या आपके जो भी ग्रीवेंस थे वो ले सकते नहीं, वो इस वक्त हम बहुत ही खुश हैं कि आपने पहली बार यहाँ पर आपने अपना जो ग्रीवेंस रखा। बेशक हम आपके हर बात को ये करते हैं, लेकिन एक मुद्दा यहाँ पर है, बिल्डिंग भी बनेगी, हेल्थ भी बनेगा, क्योंकि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो इन 3 सालों में जो बेरोजगारी का जो मसला है, जो एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, आप तो भारतीय जनता पार्टी से, इस बारे में क्या सोच, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो मत बोलिए, एक भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है काफ़ी, अभी आज की स्पीच में ही सीसी साहब ने खुद बोला इतना अपॉइंटमेंट हुआ है। मेरे से ज़्यादा ऑथेंटिक है ना, तो उसमें अभी देख रहा है, हम सरकार से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो जो उसी चीज़ को एड्रेस, हमारे यूटी तो कश्मीर में गए, कश्मीर में तो ऐसा कोई इशू नहीं आया। अब देखो खासकर हमारा जो केस के पोस्ट है, केजीएस के पोस्ट है, केपीएस के पोस्ट है, उसका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है लद्दाख में, उसके लिए बीजेपी क्या है? हम भी वही बोल रहे हैं ना, बीजेपी एज ए होल, आई एम रिप्रेजेंटिंग बीजेपी संस्कार का, बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, बीजेपी एज ए होल इन लद्दाख में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी जो भी कर रहा होगा वो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा होगा, जो चीज़ हो रहा होगा वो हो रहा है। अभी डिस्ट्रिक्ट SSRB का भी अभी रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट निकला है, पुलिस में भी हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हो रहा है, वो होने के लिए हम भी बोल रहे हैं, हमने भी आपके साथ ही उसमें इस विषय पर ना, वो कोई अलग मुद्दा नहीं है कि मैं कुछ और बोलूँगा, आपका ओपिनियन कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके ओपिनियन के साथ हूँ। ये नहीं हो रहा है कश्मीर में, जल्दी हो गया, यहाँ पे भी होना चाहिए, बोल रहे हैं वो रिक्वेस्ट के साथ बोल रहे हैं। सर का आपने कहा कि KDA पर एक इल्ज़ाम लगाया कि KDA ने आप जनस्कार को नेगलेक्ट किया। जी जी, तो सर KDA और एपेक्स का 4 एजेंडे हैं जी जी, जो किसी एक मतलब एक गाँव के लिए, एक खत्ते के लिए, पूरे खत्ते लद्दाख के लिए, पूरे यूपी के मसाइल को लेकर 4 एजेंडे, जिसमें बेरोज़गारी, अच्छा स्टेटहुड, 6th शेड्यूल और लद्दाख की तहफ़, ये 4 एजेंडे हैं जो एपेक्स और KDA उठा रहा है। तो इसमें आपको KDA का कहाँ कमी नज़र आया? नहीं नहीं, KDA एज ए कारगिल डेमोक्रेटिक फ्रंट मैन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कारगिल डिस्ट्रिक्ट, राइट, उसमें होना चाहिए बोल रहे हैं। मैं उसमें स्टेक होल्डर्स को बुलाया, हमने हर पार्टी को बुलाया, हर ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया, जैसे ले में बुलाया, ठीक है, ले आप एपेक्स बॉडी है, क्रिश्चियन का रिप्रेजेंटेटिव है, सुनी मुस्लिम का है, शाह मुस्लिम का है, हाँ जी, बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, हर पॉलिटिकल पार्टीज है, तो उसी तरह करगिल में भी होना चाहिए था मेरा। यहाँ तो करगिल में हमने जहाँ तक हमें पता है करगिल के बुद्धिस्ट एसोसिएशन और बीजेपी ने बाइकआउट किया था KDA का। बीजेपी को बुलाया भी नहीं था, नहीं बताया कि
जास्कार के जो सुन्नी ग्रुप है या वहाँ का जो बुद्धिस्ट ग्रुप है उनको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, तो मैं जास्कार बीइंग ए कारगिल का पार्ट, क्या जास्कार का जो कम्युनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी हो या बुद्धिस्ट कम्युनिटी हो, तो यहाँ पे सुन्नी जो एसोसिएशन है कारगिल में, क्या वो उनको रिप्रेजेंट नहीं करता है या कारगिल का जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन है वो उनको रिप्रेजेंट नहीं करता है? वो अलग है, कारगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन अलग है, वो भी केडीए में नहीं है। जास्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन अलग है, वो भी केडीए में नहीं है। उनको उन दोनों को तो लेकिन पूछा गया था, नहीं पूछा ना, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैंने तो ये पहली बार नहीं बोल रहा। मैं उस दिन मैं आपको बताता हूँ, 28 अगस्त 2021 वो जहाँ पे माननीय डिप्टी होम मिनिस्टर एमओएस होम नित्यानंद आनंद राय जी जब ले में आए थे, जैन होटल में हुआ था, स्टेक होल्डर लद्दाख के सभी थे ना, उस वक्त भी मैंने ये क्वेश्चन उठाया था। ऐसा बात नहीं कि मैं आज ही उठा रहा हूँ ना, पूछना चाहिए, क्यों नहीं पूछेंगे? नहीं, क्या वो यहाँ का स्कर्मा डडोल साहब है जो कि बुद्धिस्ट माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट? हाँ जी, स्कर्मा डडोल साहब बुद्धिस्ट माइनॉरिटी के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने शायद एक दो मीटिंग में शिरकत भी की थी। हाँ, लेकिन वो तो बात तो बना नहीं। अच्छा, दूसरा एक चीज सर, जास्कार को डिस्ट्रिक्ट की डिमांड काफी लंबे अरसे से है, और बीजेपी ने एश्योरेंस दिया था 2019 में कि जल्द से जल्द होगा, और अब 5 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, और जांचकार में जब हम लोगों से बात करते हैं लोग काफी नाराज हैं। ये 5 साल मुकम्मल नहीं हुआ है अभी, है ना, अभी ऑलमोस्ट होने जा रहे हैं। हाँ, दो साल और बाकी है एमपी साहब के इलेक्शन के टाइम पे का ये वादा था ना, तो इलेक्शन का जब मूवमेंट शुरू हो गया था तब ये बातें निकला था, है ना, तो वो डिस्ट्रिक्ट का मसला जो है वो सरकार के साथ टेकअप किया हुआ है। हम हर जगह हर टाइम बोलते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हमको डिस्ट्रिक्ट अलग से मिलेगा, है ना। उसमें 2-4 लीडर वो उसको लोगों को प्रोवोक करके उल्टा पुल्टा बोलने की कोशिश करता, हमने तो वोट दिया भाई क्यों नहीं मिलेगा, 70 साल वोट ही देते आया, उस वक्त पता है ना, आप लोगों को पता है ना, उस वक्त होली सोली कांग्रेस को जाता था। तो हायर ऑफिस, आप सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, वहाँ से कांग्रेस को जाता था होली सोली, 70 साल तक कांग्रेस का रूलिंग था, वादा करने वाला नहीं आया, बात निकलने वाला नहीं आया बाबा। कांग्रेस का सरकार चला जम्मू कश्मीर में, हमारे या करगिल से एमएलए कौन था? करबलाई साहब। हमारे शुरू के लिए नहीं, क्यों नहीं बोला? अगर संस्कार के लिए नहीं बोलना होता तो 8-8 डिस्ट्रिक्ट बनाया जम्मू कश्मीर में, क्यों नहीं बोला भाई? हम लोग रिजर्व नहीं करते शुरू वाले क्या? चलो संस्कार को तो ये संस्कार का है बोल के नहीं बोलेगा। 2013 की बात मैं सुनाता हूँ आपको, करबलाई साहब आए थे एज ए कांग्रेस का सीएसी, जो ही काउंसिल का इलेक्शन हुआ, सीएसी बांध के संस्कार में उनका पहला टूर था, स्टेज से बोला गिव एंड टेक, आप लोग देते हो वोट वहाँ, हम नहीं करेंगे। नहीं करना था तो शुरू के लिए तो कम से कम करता है ना, तो वोट भी दिया है सर लोगों ने, तो कब तक एक्सपेक्टेशन? हमें उम्मीद है जल्द से जल्द मिले, है ना, मिलने का उम्मीद है, लेकिन कब तक सर, क्या टाइम फ्रेम है? टाइम फ्रेम तो मैं कैसे बता सकता हूं, मैं तो एक छोटा सा काउंसलर हूं, आप एक महान रिप्रेजेंटेटिव बोल सकता हूं कि जांचकार का बीजेपी का मेन आवाज आप है, और हाईकमान तक आपकी आवाज एमपी साहब के जरिए दिल्ली तक जाता है, वहाँ से पूछने हमारा आवाज़ सिर्फ एमपी साहब तक जाता है, एमपी साहब ऊपर क्या बात कर रहा है, जल्दी मिलेगा जल्दी देगा बोल के सिर्फ ये आश्वासन मिला है, और मुझे इस आश्वासन पे पूरा भरोसा है, उम्मीद है मिलना चाहिए, मिलेगा। जास्कर के स्टूडेंट्स का हर वक्त एक अहम इशू रहता है, जब भी रिक्रूटमेंट होते हैं या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर किसी भी तरह की काम होता है, तो क्योंकि जो भी बड़े लेवल के या रिक्रूटमेंट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए सेंटर जो है डिस्ट्रिक्ट पैनल के लिए काफ़ी टफ होता है। ये इशू है सर, तो ये इशू भी हल करने में रूलिंग हो चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो नाकाम हो, उसको इस एंगल से नहीं लेना चाहिए कि जांचकार का स्टूडेंट यहाँ करगिल डिस्ट्रिक्ट में सेंटर रहे तो या फिर आवाज़ उठा रहे, ये किसी के दिमाग में या किसी लीडर के उसमें नहीं लाना चाहिए। जांचकार जो है इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट, इज द ओनली प्लेस सब डिविजन विच इज 240 किलोमीटर अवे फ्रॉम इट्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, भाई साहब 6 महीना बंद रहता है, अलग से चीज़ है, इसलिए जो मुश्किलात जो देख रहा है उसके हिसाब से डिमांड कर रहे हैं, अगर हो सकता है तो ना, तो सेंटर अलग से दे, इग्नो सेंटर अलग से दे, रिक्रूटमेंट सेंटर अलग से दे, उनको टाइम पे यहाँ एडवर्टाइजमेंट नोटिस निकलता है और पहुँचता नहीं, रास्ता बंद होता है,
ना। और संस्कार में पहले क्या होता था, संस्कार में एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं था तो लोग ज्यादातर बाहर रहते थे, है ना, कोई तो जम्मू में है कोई कहीं है। उसके लिए आपकी पार्टी ने क्या इंतजाम किया? हम कोशिश कर रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं किया, इंतजाम करे नहीं करे वो तो हम यूटी प्रशासन के साथ कर रहे हैं। मेरे कहने से मेरे करने से तो होगा नहीं, है ना। मैं तो रिप्रेजेंटेटिव होने से मैं आई एम नॉट द अथॉरिटी। आई कैन फॉरवर्ड माय द डिमांड ऑफ माय पीपल टू द एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी लेवल हो या सेंट्रल लेवल जो भी हो, वो मैं वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ, वो मैं भरपूर आज तक पहुँचाते आया है ना। तो जितना भी जो भी अभी चल रहा है तो मेरे ख्याल से तो अभी ये काफ़ी हद तक जो निगलेशंस डिस्ट्रिक्ट कारगिल एज ए होल हुआ है, हमें पार्टिकुलरली संस्कार हुआ है, उन सब का जिम्मेवार हमारा जो नेता यहाँ से गया, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ डेवलपमेंटल इश्यूज को कम अपना अहदा उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया है। जो मैं बोल रहा हूँ ना कश्मीर अभी हम बोलते हैं पीपल आर नॉट हैप्पी इन कश्मीर, ऑफ कोर्स दे हैव रीजन, इज देयर राइट। आप एमपी के साथ दिल्ली में रहे, मिनिस्ट्री में अक्सर गए, हमने मीडिया में देखा, हर एक मिनिस्ट्री में आप चले गए। एमपी का एक इशू था द्रास को भी सब डिवीजन को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, तो इस इशू में कभी डिस्कस हो गई क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ अलबत्ता एमपी ने पार्लियामेंट में बोलते हुए हमने देखा है। लेकिन मैं एमपी साहब के साथ दिल्ली जाता हूँ तो दिल्ली में एमपी साहब के साथ तो मैं रहता नहीं हूँ, मुझे किसी मिनिस्ट्री से अपॉइंटमेंट लेना होगा। मैं एमपी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, वो उन चीज़ों को कंसीडर करते हैं।